ତୋମସ୍ଥିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଚେସ୍ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରବିବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତୋମସ୍ଥିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଖେଳ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଖେଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର 75 ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ୟାଂଶୁ ମହାଙ୍କୁଡ଼ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ଅଧିବିତ ଦାସ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଓ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ବରିହା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। I performed well and played well because of the guidance and the blessings of my parents and coaches. Mo champion ichi mo coach aur mo parents ko guidance aur blessings ko bhai tournament organize karchan tomosida foundation tagu pratham dhanyabad debi kana emti choto bado je kono si uta organization जिते बड़े अर्गानाइज करेंगे डिफरेन्ट टूर्नामेंट इन डिफरेन्ट प्लेसेस ऑफ ओडिशा ताले कौन हम ना आमर यही शिशु प्रतिजोगी मानकर प्रतिभा विकसित हे आज ये जो छोटो उद्यम हो कि बड़ उद्यम हो छोटो उद्यम बोली मानते किए कही थी पारे कि मुझे गोटे बड़ उद्यम जे छोटो पिला बहुत छोट छोट पिला नुआ पिला देखुची बहुत पार्टिसिपेट कर बर्तमान जो भाया खरा दिन चलती यही महल्ले थंडा परिवेश भितर पिला खेलिया बहुत आग्रह होती निश्चित भाव आगू ओडिशा चेस रो बहुत विकास हवा को जाऊँगी बाई आसला तेणु आशा करुच्ची आगामी दिन में आमर सात्विक जो जाऊँ खेलियापी वर्ल्ड से भाया पिला निश्चित भाव ओडिशा बाहर भुवनेश्वर सहर में बर्तमान चेस रि चाहिदा अच्छी पिला जाणी ना बहुत जाणिना जो मैंने आसारेन्ट्स आणिक आस प्रचार प्रसार है गोटे बड़ मध्यम बलिष्ठ मध्यम यहाँ आज पखापाखि 75 पिला भाग नहीं पार्टिसिपेंट थे यहाँ से जहाँ कहते खूब शीघ्र स्टेट लेवल भी चैंपियनशिप प्रतियोगिता करा जीवो से यहाँ गोटे निश्चित भाव प्रोत्साहन प्रोत्साहन दबो भविष्य में ओडिशा राज्य जो प्रेस माने चेस रे चैंपियनशिप हाँप बहुत प्रतियोगी ये अच्छा से मैंने सफल है आम भाविल आज कृति प्रतियोगी मैंने बहुत भल स्कोर कर आगामी दिन जारी प्रकाश कर चेस हूँ एभली एक खेल जहाँ पिला धैर्य रखिवार शिक्षा दे था सिम्फोनी मोल रे दुई दिन धरी चलता खेल में भाग नहीं पिला उत्साहित करने टॉप 15 प्राइज रखा जाए 13 वर्ष रु कम बयस पिला पुरस्कार प्रदान तेरे मुख्य अतिथि भाव में ऑल ओडिशा एसोसिएशन सेक्रेटरी देवव्रत भट्ट सम्मान्य अतिथि भाव में भक्ति ओडिशा कंसल्टेंट एडिटर भैरव ब्रह्मा एसडीएम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन रो मुख्य नीरज चंदन महांती एवं सुब्रत महापात्र जोग देथिले। मो होची दीपरेखा तोमसित फाउंडेशन रो वन ऑफ द फाउंडर आ हम माने एनिमल वेलफेयर पे काम करू बुला गाय संढ जो कम्युनिटी डॉग्स बिल्ली एमन को पे हमने काम करू आ मैं गवर्नमेंट रो सपोर्ट रे भी काम करू निजे भी काम करू फंड रेज करकी हमर आम ता उद्देश्य आज गोटे मैंने फंड रेज उद्देश्य टूर्नामेंटा करूँ जोटा कि आज ओपन स्कूल चेस टूर्नामेंट होता चेस बेसिकली गोटे गोटे गेम जोटा कि पिला को पेसेंस सिखाए जोटा कि आग को मस्तिष्क केमती बेस इम्प्रूव हो बाहर से सिखाए तो आम मैंने जो देखी जो ये गेम थ्रु रे पाने स्ट्राटेजी बनाऊँ केमती आग को गोटे पॉजिटिव बेसिकली इट इज वन ऑफ द गेम जो थे कि कौन सी एज रो पिला भी करें माने छोट पिला गोटे 3 वर्ष पिला गोटे 70 वर्ष लोक को भी हरई पारे तो कौन सी एज कौन सी जेंडर एथिरे बैरियर नहीं टू प्रमोट दिस आम मैंने करुचु टूर्नामेंट मु एसडीएम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोजेक्ट लीड अच्छी आज ये छुआ मैंने आसिक चेस चैंपियनशिप रे पार्टिसिपेट कर सब बहुत बहुत मोर हार्दिक शुभेच्छा चेस आम एमती एक माइंड गेम मुझे कह सब छुआ पार्टिसिपेट करा कथा कारण एथेर निजर पर्सनाली डेवलपमेंट हम प्लस आपणकर पढ़ापढ़ी भी साहय कर बहुत कनसेट्रेसन भी आपको हेल्प कर आमर छुआ मैंने आज कल बहुत प्रकार स्पोर्टस पार्टिसिपेट कले कि चेस एवं गोटे घर खेल ही रही जाइए आते आम पे पार्टिसिपेट कले मुझे भावुँ एथेर बहुत कि पिलार उन्नति हे प्लस ता सहित आपणकर चेस रे बहुत स्कोप भी अच्छी तेणुक एपर एक आयोजन करमसिता फाउंडेसन को ये बहुत धन्यवाद देवी तापस कुमार महांती आंतर्जातिक चेस आर्बिटर एटी तृतीय थर पर सिम्फोनी मल परिसर तमस्ता फाउंडेसन द्वारा
ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 75 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଦେହରେ 7 ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟ୍ରଫି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରଖାହୋଇଥିଲା। 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଯେହେତୁ କୁନି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଏହି ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ତମସ୍ରିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ ହେବ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କପିଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।